नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भीलवाड़ा में जीतो के एक्सपर्ट प्रेसिडेंट का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। बैठक में 100 से अधिक लोग मौजूद रहे। खेडली कस्बे में स्वयं सेवक संघ द्वारा विजयदशमी के पर्व पर पथ संचालन निकाला गया, साथ ही शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 93वें वर्षगांठ के अवसर पर पथ संचालन निकाला गया, जिसमें 100 शाखाओं के करीब 4000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ग्वालदा गांव का दौरा किया और लोगों से मिलकर अपना समर्थन मांगा। अब समाचार विस्तार से। भीलवाड़ा के जीतो के एक्सपर्ट प्रेसिडेंट का स्वागत और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीलवाड़ा के जीतो के एक्सपर्ट प्रेसिडेंट का स्वागत एवं अभिनंदन समारोह होटल लाइन में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का संचालन एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र सिंह पोरखाना ने बताया कि चौधरी ऐसी प्रतिभा के घनी हैं जो घाटे में चल रही और बंद औद्योगिक प्रतिष्ठानों का अधिग्रहण कर रहे हैं, उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। वहीं लगभग 100 से अधिक सदस्य उपस्थित रहे। त्रिलोक चंद छाबड़ा ने जीतो शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध किया कि JBM जैन ग्लोबल कार्ड को डिजिटल रूप से गूगल के समान सशक्त बनाया जाए। महावीर सिंह चौधरी ने अपनी ओजस्वी अंदाज में जीतो भीलवाड़ा की ताकत के बारे में बताते हुए घोषणा की कि शीघ्र ही जीतो द्वारा हॉस्टल का निर्माण प्रारंभ कर 18 माह की अवधि से पूर्ण करेंगे। साथ ही जीतो एक्सपर्ट की बोर्ड मीटिंग भीलवाड़ा में कराने का आग्रह किया। इस अवसर पर यूथ विंग चेयरमैन निशांत जैन सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए तिजारा विधानसभा की सीट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पक्की करने में लगे हुए हैं। उसी को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता दिलावर सरपंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। तिजारा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुकेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ग्वालदा गांव का दौरा किया और लोगों से मिलकर अपना समर्थन मांगा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश यादव ने आज ग्वालदा गांव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से जनसंपर्क किया। वहीं आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे मुकेश यादव ने घर घर जाकर लोगों से बातचीत की और दुकानदारों से भी जनसंपर्क किया। वहीं उन्होंने लोगों से बिजली, पानी और अनाज के उचित दामों को लेकर जनता से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम तिजारा विधानसभा के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान में दिल्ली के तर्ज पर विकास कार्य करने को तैयार हैं। यादव ने कहा कि अगर जनता हमारा सहयोग करेगी तो हम ये करके भी दिखाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों के पास बैठकर बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। चुनाव आते ही नेता मंदिर और मस्जिद की बात करने लगते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है। वो सिर्फ विकास के लिए चुनाव लड़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि तिजारा से आम आदमी पार्टी की ही जीत हो। लोगों से मिल रहे हैं, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय लेवल पर उभर के आ रही है। आज अगर पार्टी की स्थापना की बात करें तो लगभग 5.5-6 साल हुए पार्टी को, और 5.5-6 साल के अंदर इस प्रकार का टारगेट मिल गया कि आज दिल्ली के अंदर कौन तरीके से गवर्नमेंट बनाई है, और उसके अलावा पंजाब के अंदर हमारे आज 20 विधायक हैं और 3 सांसद हैं। पार्टी अच्छी ग्रोथ कर रही है, और उसके अलावा अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP वहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी पार्टी अपना अच्छा कैंपेन। होटल रॉयल ब्लू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। चुनाव को लेकर होटल रॉयल वैल्यू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और चुनावी मुद्दों पर बातचीत की गई, ताकि विधानसभा चुनाव में मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा सकें और लोगों के बीच में अपनी मुद्दा को रख सकें। भिवाड़ी के मिलकपुर गुजर गाँव में आगामी चुनाव को लेकर हमारे युवा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अधिकतर युवाओं का यही कहना है कि वह आगामी सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि वह जन समस्याओं का निवारण करे और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर नीतियां बनाए, ताकि युवाओं को रोजगार का अवसर मुहैया हो सके। देखिए, पूर्ण बहुमत से BJP की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और पिछली बार जो सीट आई उससे ज़्यादा सीटों से इस बार जीते भारतीय जनता पार्टी BJP। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है BJP सरकार में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कहने वाली बात है कि महंगाई बढ़ रही है, बाकी महंगाई नहीं बढ़ रही है। हर आज दालें सस्ती हैं, चीनी वगैरह सब सस्ती हैं, सब्जी सस्ती है, सब सस्ती है, पेट्रोल को छोड़ के सब सस्ती है।
और पेट्रोल भी कांग्रेस के राज में भी महंगा था, और आज तो पेट्रोल कोई इतना ज़्यादा इशू है नहीं, और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और जैसा कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत है, मोदी जी को पूरा सपोर्ट है, पूरा समर्थन है, अच्छे काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और हमारा वोट बिल्कुल बीजेपी को ही है। हाँ, उम्मीद लगाए बैठे हैं सचिन पायलट से जी कि बीजेपी सरकार ने जो वादा किए थे कि हम नौकरियां निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, रोजगार दिलाएंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो सचिन पायलट को उम्मीद रख लेते हैं। मैं राजस्थान में तो मुझे ढंग ऐसा लगे है कि बीजेपी की सरकार आ गई। आप बीजेपी की सरकार से काफ़ी खुश हैं? मैं बहुत बढ़िया काम है, ये जो सड़क बनी दिख रही है ना यहाँ, बहुत जोर के बना दी बीजेपी सरकार ने। पहले यहाँ गोटे गोटे पानी भर रहे करे, यहाँ का लिकड़ो नहीं जा कर, आनिया जानिया परेशान रह कर, यार रिश्तेदार है जा कर वे भी परेशान रह कर, वे कह रहा है भाई मिलप्पर गाँव है, मिलप्पर गाँव में कोई तरक्की नहीं। तो भाई अब हम बीजेपी की सरकार से बहुत घना खुशा, ये जो बीजेपी सरकार ने और बहुत अच्छा अच्छा काम करा, हर जगह रोड लाइट लगवाई है, रोड पे सारा काम बढ़िया करे, भर्ती वर्ती भी कटवा रही है। अब कई है कहना है भाई वसुंधरा ने भर्ती ना लिखाड़ी, यार वसुंधरा के घर में लिखाड़े, जब अपने कहीं जगह होएगी जब तो लिखाड़ेगी, वो तो कांग्रेस है भाई, वो बीजेपी को ही हो, जब जहाँ भर्ती लिखेगी वहीं तो लिखाड़ेगी। तो ये तो इश्यू है, मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो इश्यू है पार्टी को गिराने का, ठीक है। हालांकि पार्टी बीजेपी बहुत अच्छी है, पहले यहाँ रात ने कोई ढोर ना डटे हो उठा कर रात ने भर ले जावे, आप बीजेपी का राज में कहीं गाय बैठ रहे हो, कहीं कुछ ही बैठ रहे हो, एक पशु नहीं उठता यहाँ से, बिल्कुल। रोजाना यहाँ फैक्ट्री में रोजाना चर्चा आ रही अखबार में, आज फलाने फैक्ट्री में वो चोरी होगी, आज वो फैक्ट्री में चोरी होगी, आज वो फैक्ट्री में चोरी होगी, आज किसी प्रकार की ऐसी कोई चर्चा नहीं आ गई, कोई फैक्ट्री में किसी प्रकार की चोरी नहीं होती, कानून व्यवस्था हर चीज़ अच्छी है, प्रशासन भी टाइट है, हर चीज़, मतलब ये कह रहा हूँ मैं तो, हर चीज़ बढ़िया है। बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए और केंद्र में मोदी आना चाहिए। गाँव में जहाँ हम जानेंगे युवाओं से आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव के बारे में। मैं अमजद के साथ, मैं मनोज कुमार, 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान। बहरोड के नंगला रुद गांव में IOCL कंपनी की पाइपलाइन खेत के अंदर डालने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसानों को खेत से पाइपलाइन निकालने पर मुआवजा दिया जाए। बहरोड उपखंड के नंगला रुद गांव में IOCL कंपनी की पाइपलाइन डालने को लेकर ग्रामीणों ने पाइपलाइन डालने का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि हमें जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया और हमारे खेत के अंदर से पाइपलाइन डाल रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमें मुआवजा नहीं मिल पाएगा तब तक हम पाइपलाइन नहीं डालने देंगे। वहीं हम आपको बता दें कि जब IOCL कंपनी प्रबंधक और प्रशासन मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों का विरोध देखकर के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया। गौरतलब है कि ये सभी ग्रामीण सरिस्का से बहरोड के नंगला रूप में लाकर बसाए गए थे। किसानों का कहना है कि जिला कलेक्टर के आदेश में लिखा है कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा देकर बाद में पाइपलाइन डाली जाए, लेकिन किसानों को बिना मुआवजा दिए पाइपलाइन निकाली जा रही है। राम मंदिर बनाने को लेकर भीलवाड़ा जिले से 21 अक्टूबर को 200 से ज्यादा हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अयोध्या की ओर कूच करेंगे। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार रोकने की कोशिश करती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। भीलवाड़ा जिले में 21 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या और लखनऊ के लिए कूच करेंगे। वहीं क्षेत्रीय महामंत्री चंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर कई निर्णय नहीं ले रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो लोकसभा में विधेयक लाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता निकाल सकती है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसके विरोध में 21 अक्टूबर को लखनऊ से अयोध्या तक विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें भीलवाड़ा जिले के 200 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार हमें रास्ते में रोकने की कोशिश करती है तो हम उग्र आंदोलन करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे। राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने, इस विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा 21 अक्टूबर को लखनऊ से अयोध्या कूच प्रारंभ किया जाएगा। सरकार ने इस कार्यक्रम पर परमिशन न देकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान किया है। देश का नौजवान, भगवान राम जन्मस्थली पर भगवान राम का भव्य मंदिर, लोकसभा में कानून बनाकर मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो, यह समाज और संत चाहते हैं।
हमर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि तुरंत लोकसभा में अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे, हिंदुओं की और संतों की भावनाओं का सम्मान करे। यह विषय लेकर हम 21 अक्टूबर को प्रातःकाल लखनऊ से अयोध्या कूच करेंगे। अगर कूच में बाधा डालने का प्रयत्न किया तो यह आंदोलन पूरे देश में होगा। जब किसी कार्यकर्ता का दमन किया जाता है तो उस क्षेत्र का रहने वाला कार्यकर्ता अपने स्थान पर धरने और प्रदर्शन प्रारंभ कर देगा। और संपूर्ण समाज से हम आग्रह करते हैं कि अगर इस अयोध्या कूच को कुचलने का प्रयत्न सरकार द्वारा किया गया तो अपने अपने स्थान पर उसी समय से पत्रकार बंधुओं को सूचित करके धरने और प्रदर्शन प्रारंभ कर दें। भीलवाड़ा जिले से लगभग 200 के आंकड़ा आया है, लेकिन पूरे राजस्थान से 5,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो कल और आज में अपने अपने स्थान से प्रस्थान करेंगे। कटुमर में दशहरा पर्व पर बाबा लालदास महाराज की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान बाबा लालदास मंदिर में सुबह सामूहिक रूप से बाबा को चादर चढ़ाई गई। कटुमर में नवरात्रि को लेकर बाबा लालदास महाराज की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। वहीं इस यात्रा में भारी संख्या में भक्त मौजूद थे। वहीं लालदास सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में बाबा लालदास महाराज का उत्सव मनाया गया, जिसमें लालदास महाराज के मंदिर में सुबह सामूहिक रूप से बाबा को चादर चढ़ाई गई। बाबा की रथ यात्रा बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। इसके बाद रात्रि में महा आरती के बाद सामूहिक भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके दौरान बाबा लालदास महाराज की रथ की बोली राम बाबू गुप्ता रेडियो वालों की ओर से 7100 रुपये ली गई। वहीं बाल कलाकार द्वारा श्री कृष्ण की मोर पंखों के साथ नृत्य भी किया गया, जिसमें हनुमान जी की झांकी आकर्षक का केंद्र रही। इस दौरान बाबा की महिमा का गुणगान जयकारों के साथ महिला पुरुष बच्चों द्वारा किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। गोविंदगढ़ में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते जगह जगह पानी की पाइपलाइन लीकेज हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान है। हम पानी भर रहे करीबन होगा 3 साल। अच्छा, जय को अवगत करा दिया और लाइन मैन को करवा दिया। समस्या ये 12 मास खड्डा में बीच रहती है, 12 मास पानी भरा रहता है। मतलब इन्होंने खड्डा खोदा है वाटर बॉक्स से, लीक के कारण लीक ना मिटी और लीक मिटाने के बाद फिर इसको छोड़ देंगे, उसके बाद कोई समाधि ना। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए किशनगढ़वास नगर पालिका द्वारा बनाया गया लाखों रुपए का रावण 2 मिनट में ही जलकर खाक हो गया। रावण दहन से पूर्व लंका द्वारा कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले भी जलाए गए। इस दौरान दशहरा मैदान में राम और रावण के युद्ध का दृश्य देखने को मिला। इसके बाद राम ने तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। इस दौरान भव्य आतिशबाजी की गई। रावण दहन से पूर्व किशनगढ़वास में राम सीता की झांकी निकाली गई। किशनगढ़वास उपखंड प्रशासन द्वारा ईवीएम मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया को भी दर्शकों को समझाया गया। विजयदशमी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने पथ संचालन निकाला, साथ ही शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। खेडली कस्बे में स्वयं सेवकों द्वारा विजयदशमी के पर्व पर पथ संचालन निकाला गया, साथ ही शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। शिक्षा अधिकारी और कार्यवाहक अशोक गुप्ता ने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने, शक्ति उपासना के बारे में बताते हुए डॉक्टर हेड गोवर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। नगर कार्यवाहक राजेश कुमार जैन ने बताया कि पथ संचालन गांधी पार्क से स्टेशन रोड, जवाहर चौक, पुरानी अनाज मंडी, शेरावाली चौराहे के रास्ते कटुमर होते हुए वापस गांधी पार्क पर समाप्त किया गया। इस दौरान खंड संचालक लक्ष्मी जी बर्तन वाले, सहखंड संचालक जगमोहन रामचरण, गौरव खंडलवाल, करण जायसवाल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। भीलवाड़ा में विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने पथ संचालन निकाला, जिसमें 100 शाखाओं के 4,000 स्वयं सेवकों ने भाग लिया। विजयदशमी के अवसर पर भीलवाड़ा शहर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर पथ संचालन निकाला गया, जिसमें 100 शाखाओं के करीब 4,000 स्वयं सेवकों ने भाग लिया। कदम से कदम ताल मिलाकर चलते स्वयं सेवकों का पथ संचालन ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं पथ संचालन राजेंद्र मार्ग स्कूल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः राजेंद्र मार्ग ही पहुंची।
इस दौरान शहर के मुख्य चौराहे पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर पथ संचालन का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज राजेंद्र मार्ग से स्वयं सेवकों ने पथ संचालन निकाला। पथ संचालन राजेंद्र मार्ग से शुरू होकर मुरली विलास रोड, रेलवे स्टेशन चौराहा, सूचना केंद्र चौराहा, भीमगंज थाना, बड़ा मंदिर होते हुए पुनः राजेंद्र मार्ग स्कूल पहुँचे। किशनगढ़ बास में राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने विजयदशमी पर दो पथ संचालन निकाले, वहीं दोनों पथ संचालन को कस्बे के रेलवे फाटक पर संगम किया गया। खैरतल में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इकाई खैरतल की ओर से विजयदशमी पर्व पर कस्बे में दो पथ संचालन निकाली गई, जहां दोनों का पथ संचालन कस्बे के रेलवे फाटक पर मिला। संगम के बाद कस्बे के लक्ष्मी नारायण मंदिर पार्क में शस्त्र पूजन सभा का आयोजन किया गया। खैरतल सहखंड कार्यवाहक रमाकांत ने बताया कि विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इकाई खैरतल ने पथ संचालन निकाली, जिसमें एक पथ संचालन आदर्श विद्या मंदिर हरसोली रोड और जबकि दूसरी रिगो पार्क से रवाना होकर दोनों संगम रेलवे फाटक पर पहुंची। पथ संचालन तो देश भर में होता है, लेकिन स्वयं सेवक संघ का संगम पहली बार हुआ है। पथ संचालन से पूरे भारत माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। ध्वज प्रमाण प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रार्थना कार्यक्रम में स्वयं सेवकों का संघ का सदैव चलने रहो मूल मंत्र की जानकारी दी गई। इसके बाद गणेशधारी स्वयं सेवक ने घोष की ध्वनि पर उत्साह के साथ पथ संचालन प्रारंभ किया, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ लक्ष्मी नारायण पार्क में पहुंचकर विसर्जित हुआ। वहीं पथ संचालन में करीब 100 शाखाओं के करीब 4000 स्वयं सेवकों ने भाग लिया। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।